सोलन में गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल ने धूमधाम से तीज का त्यौहार मनाया। बेशक स्कूल बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुकुल स्कूल ने त्योहारों की परंपराओं को टूटने नहीं दिया। उनके द्वारा ऑनलाइन ही त्योहार के रीति रिवाजों को निभाया गया। सभी छात्र छात्राएं और अध्यापक सुंदर सुंदर पोशाकों में ऑनलाइन नजर आए। मिलजुल कर सभी ने गीत गाए और बच्चों ने पंजाबी भंगड़े का आयोजन किया। इस कार्यक्रम से स्कूल प्रबंधन ने बच्चों और समाज को संदेश दिया कि भारत की परंपराएं ही हमें एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, जिसके चलते सभी विषम परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी कोरोना संकट काल से निकल रहे हैं और बेहद चिंतित हैं, इसलिए उनकी चिंता को कम करने के लिए तीज का त्यौहार ऑनलाइन मनाया गया। सभी ने इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया। अधिक जानकारी देते हुए गुरुकुल स्कूल की वरिष्ठ प्रधानाचार्य गुरप्रीत माथुर ने कहा कि उनका विद्यालय सभी त्यौहार धूमधाम से मनाता आया है, जिसमें बच्चों को त्यौहार के महत्व के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि वे भारत की समृद्ध संस्कृति को समझ सकें। उन्होंने बताया कि भारत में तीन तरह से तीज मनाई जाती है, जिसकी जानकारी बच्चों को दी गई। साथ में उनके द्वारा नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। सभी ने इस मौके पर बेहद मनोरंजन भी किया। आज हम लोग वर्चुअल तीज सेलिब्रेशन कर रहे हैं। गूगल मीट पे हमारी ये चल रही है सेलिब्रेशन, जिसमें हमारे तीनों स्कूल गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन, गुरुकुल स्कूल वाकनाघाट, गुरुकुल कुन्हार, हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं स्टाफ मेंबर्स और हम लोग यहाँ पे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमेशा की तरह मैंने बताया इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मनाया जाता है, और फिर उसके बाद सेलिब्रेशन शुरू हो गई। दो टीचर्स एंकर्स हैं, एक इंग्लिश में और फिर हिंदी में, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया हुआ सारे प्रोग्राम को। और यू विल बी सरप्राइज टू नो के उन्होंने यहाँ पे भंगड़ा भी किया, डांस भी किया, गाने भी गाए। और ये क्यों मनाया जाता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, रेलेवेंस है आज के टाइम में भी, वो ये है कि जो हमारी संस्कृति है वो बहुत रिच है। हमारी कल्चर इट शुड डिसेंड डाउन हमारी सीढ़ियों में आगे, जो हमारे बच्चे हैं उनको एक लेगेसी की तरह उनके पास जानी चाहिए कि हम लोग क्या हैं, कहाँ से हम शुरू हुए हैं, हम लोग क्या करते थे, क्यों करते थे। बेसिकली सारे त्योहारों का एक ही उद्देश्य होता है कि सब लोग मिलजुल के अच्छी तरह से तैयार हो के गा बजा के खुशी मनाएं, अच्छा खाना खाएं और एक प्रसन्नता का संदेश आगे दें। तो ये जो तीज का सेलिब्रेशन था नॉर्थ इंडिया में, ये इसलिए था प्रचलित क्योंकि नई ब्याही जो लड़कियां होती थी वो अपने पीहर आती थी और आके अपने ससुराल के बारे में बताती थी कि उनको वहाँ कैसा लग रहा है, और तीज के दिन उनको वापस भी जाना होता था। वो चाहे अपने चाइल्डहुड को याद करती थी, चाहे अपने पेरेंट्स के घर को एडमायर करती थी, बट वो किसी भी तरह से ये नहीं भूलती थी कि पिया का घर प्यारा लगे। तीन तरह की तीज हमारे सारे नॉर्थ इंडिया में मनाई जाती है। लोग फास्ट भी करते हैं, नहीं भी करते हैं। हरितालिका होती है, कजरी तीज होती है, हरियाली तीज होती है, तो हर एक का अपना अलग अलग वो है। इसमें मॉनसून को भी सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि मॉनसून जो है, जो बारिश है, वो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है वाटर का, और अगर प्योरिटी रहेगी और बारिशें होती रहेंगी तो हमारी जो धरा है वो हरी भरी रहेगी। इसलिए हर त्यौहार के साथ कुदरत तो हमेशा से जुड़ी हुई है। तो ये आज के टाइम में इसका रेलेवेंस यही है कि मिलो और मिलजुल के त्यौहार सेलिब्रेट करो। अगर चैलेंजेस आए, जैसे अभी चैलेंज है, नहीं मिल सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुस्कुराना छोड़ दो या सेलिब्रेट करना छोड़ दो। जैसे और चीज़ें मेथड हम डिवाइस करते हैं, थोड़ा और क्रिएटिव बनते हैं, इसी तरह से क्रिएटिविटी से इसको हमने इस बार मनाने की कोशिश की है। वर्चुअली सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उसी तरह तैयार हुए हैं, उसी तरह गाना बजाना हुआ है। बस ये है कि पकवान अपने अपने घर में खाने हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। गुरुकुल हमेशा से ही जो परंपरा है हमारी, ट्रेडिशंस एंड कल्चर है, उसको अपनी बहुत ही रिच विरासत मानता रहा है। और ये गुरुकुल का अर्थ है हमारे गुरु का कुल, परिवार, तो एक परिवार की तरह हम सब लोग ये इसको मनाते हैं। इसका इम्पोर्टेंस है हमारी जो जनरेशन है वो हमें देखे और इसको अलाइव रखे, क्योंकि सारी दुनिया कहीं ना कहीं भारतीय संस्कारों के आगे झुक गई है।